हिंदी सिनेमा की एक अलग अपनी पहचान है, यहाँ फिल्में नाम से अपने आप चल जाती है। अगर बात करें ओल्ड जनरेशन की तो उन्हें आज भी पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर से लेकर स्टोरी तक सब पता होता है। पर आज की न्यू जनरेशन को क्या हुआ, क्या इनकी पसंद खुद की पसंद नहीं है? शायद हाँ, तभी तो मसाले के नाम पर आए दिन फिल्मों के नाम बदले जाते तो कभी उनकी तारीखें बदली जाती। जैसे कि ऑडियंस ऑडियंस नहीं, एक कठपुतली जिसे जब जैसे चाहो घुमा सकते, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो प्रभास की सलार के लिए इतने दिनों से बैटिंग लिस्ट में वेट कर रहे थे। इससे साबित होता है कि आप सच में इनके फैन नहीं हो। अगर हो तो फिर वो चाहे साउथ इंडियन मूवीज हो या फिर बॉलीवुड हिंदी सिनेमा, अपनी कमिटमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। प्रभास को दो मिनट के लिए साइड में करें तो हाल ही में सलमान खान की टाइगर 3 का टीजर आउट हुआ था। क्या इसके लिए कोई डेट काफी दिनों से पोस्टपोन हो रही थी? पर प्रभास एक सलार जैसी मूवी के लिए आए दिन अपनी फिल्म के लिए डेट को बदलते रहे, पोस्टपोन करते रहे और उनकी फैन फॉलोइंग को गुमराह करते रहे। और फाइनली सलार मूवी की इस बार कंफर्म डेट अनाउंसमेंट कर दी। पर जनता का सवाल है कि साउथ इंडस्ट्री जो फिल्में तेलुगु में बनाती, हिंदी में डब्ड करती, फिर भी उन्हें इतना प्यार मिलता है, तो शायद साउथ इंडियन के मेकर्स को उनके फैंस का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब और सवाल मुझे आपसे चाहिए दोस्तों। चलिए आखिर सलार पर इतनी चर्चा कर ही रहे तो इसकी रिलीज डेट के बारे में भी जान लेते। प्रभास की सलार इसी साल क्रिसमस को रिलीज होने वाली, मतलब 22 दिसंबर 2023 को पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलीज होगी। साउथ की तेलुगु में बनी प्रभास की अपकमिंग सलार सिस्पायर पार्ट 1 हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में भी इसका डब्ड वर्जन रिलीज किया जाएगा। क्योंकि भाई साउथ इंडियन मूवी के सिर्फ साउथ के ही थोड़े दीवारे, अलग अलग भाषाओं में हम सब प्रभास की सलार के फैन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहुबली से अब न चाहने वाला भी प्रभास का दीवाना हो गया, और बाहुबली मूवी ने प्रभास का कैरेक्टर रोल भी बदल दिया। लगता है आने वाली फिल्मों में अब ऐसे ही देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेंड करके जरूर बताना।